गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इन लास्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोलारिटी, फॉर्मेलिटी एंड रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोलारिटी? मोलारिटी इज आल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन। मोलारिटी इज आल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन एंड मोलारिटी इज डिफाइंड एज मोलारिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम। मोलारिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर आर पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। मैथमेटिकल रिलेशन मोलारिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी, वेयर एन बी इज इक्वल टू, एन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंट एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी। मोलारिटी इज आल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। शुरू में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जिसके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम रहेगा वो हमारा टर्म कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो मोलारिटी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। मोलारिटी इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी। एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। इफ वॉल्यूम टेकन इन मिलीलीटर, अगर हम वॉल्यूम को हम मिलीलीटर में लें, इफ वॉल्यूम टेकन इन ml मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब, तो देन मोलारिटी इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी इंटू थाउजेंड। या एन बी को क्या लिख सकते हैं? एन बी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मीन्स डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू थाउजेंड। तो मोलारिटी इज डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू थाउजेंड। देयरफोर यूनिट ऑफ मोलारिटी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल पर लीटर। ध्यान दीजिए, एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी, व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। तो एन बी यूनिट की मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर, तो देन मोल पर लीटर। मोलारिटी इज आल्सो नोन एज कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इससे पहले एक वर्ड हमारा क्या है? फॉर्मेलिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम।
तो फार्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट। एफ एफ क्या है? फार्मेलिटी। फार्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी इज इक्वल टू फार्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। फार्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। फार्मेलिटी इज यूज्ड फॉर ओनली आयनिक कंपाउंड। फार्मेलिटी इज यूज्ड फॉर ओनली इसके लिए आयनिक कंपाउंड के लिए। तो अभी तक हम लोग ये देखा कि मोलैरिटी क्या है। तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू एन वी अपान वी। एन वी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देन मोलैरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपान एम वी इन टू वी। इफ वॉल्यूम इज टेकन इन एम एल तो देन मोलैरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपान एम वी इन टू वी इन टू थाउजेंड। यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर। देन रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। लास्ट टॉपिक है हम लोग का रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। सिंस वी यू नो दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेट कंसीडर दी एन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड एम बी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जहाँ बी रहेगा सॉल्यूट कंसीडर करेंगे एंड एम ए इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हम क्या कर लिया? लेट कर लिया। लेट अस कंसीडर दी एन वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, एम बी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड एम ए इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान दीजिए, अगर हम नंबर ऑफ मोल को एन से दिखाते हैं तो एन इज इक्वल टू वेट मीन्स मास अपॉन क्या है? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो डब्ल्यू क्या है? मास है। केमिस्ट्री में हम लोग वेट पढ़े या मास एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू या मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इंटू मोलर मास। अगर यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू एन बी इंटू क्या होगा? एम बी। सिमिलरली डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू एन ए इंटू एम ए। तो इसके जगह पर ध्यान दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन के जगह पर हम क्या ले सकते हैं?
दिस प्लस दिस। मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर हम एन ए एम ए प्लस एन बी एम बी अपान डी इतना लिख सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मास ऑफ सॉल्यूट है और ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, दोनों क्या किया ऐड कर दिया। अपान क्या है डेंसिटी है। अब फार्मूला का मोलैरिटी इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी इक्वल टू एन बी अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए एन बी तो रहेगा आपका और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर हम ये पॉइंट रख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एन ए एम ए प्लस एन बी एम बी अपान डी। ठीक तो ये डी आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एन बी डी। अब ध्यान दीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में है इसको हम एम एल में कन्वर्ट करेंगे तो अपान क्या हो जाएगा थाउजेंड सॉरी इंटू थाउजेंड अपान एन ए एम ए प्लस एन बी और एम बी हो जाएगा। ठीक मोलैरिटी इज इक्वल टू एन बी डी इंटू थाउजेंड अपान एन ए एम ए प्लस एन बी एम बी। अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे यहाँ पर एन ए प्लस एन बी से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एन ए प्लस एन बी डिवाइडिंग। ध्यान दीजिए ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे एन ए प्लस एन बी से हम डिवाइड कर देंगे। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एन ए प्लस एन बी। तो एन बी अपान एन ए प्लस एन बी इन टू थाउजेंड इन टू डी अपान एन ए एम ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी एम बी अपान एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी से ऊपर नीचे क्या किया डिवाइड कर दिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एन ए प्लस एन बी से डिवाइड कर दिया। अब इसके बारे में आप देखिए एन बी अपान एन ए प्लस एन बी एन ए इसको हम लिख सकते हैं क्या एक्स बी लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं एक्स ए लिख सकते हैं। तो देन इसको क्या लिखेंगे एक्स बी इंटू थाउजेंड इंटू डेंसिटी अपान एक्स ए एन ए अपान एन ए प्लस एन बी क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस एक्स बी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमको मिला रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन में मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी ई टी रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल है। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू थाउजेंड इंटू डेंसिटी अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू बोलिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमको फार्मूला निकल के आया रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी में। इस पर हम लोगों का क्वेश्चन मिलेगा प्रॉब्लम मिलेगा इंटेक्स का 2.5 क्वेश्चन। आप ट्राई करिएगा इस पर डायरेक्ट आप फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे और मोलैरिटी आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग ये जानने की कोशिश किया कि मोलैरिटी क्या है फार्मेलिटी क्या है। फार्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी फार्मेलिटी यूज फॉर ओनली आयनिक कंपाउंड।
मोलैटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या पर डेसीमीटर क्यूब इन सोल्यूशन इज नोन एज मोलैटी। अगर हम वॉल्यूम को ml में लेंगे तो मोलैटी इज इक्वल टू एन बी अपान भी इंटू 1000 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिलेशन जानने की कोशिश किया कि रिलेशन हमारा मोलैटी या मोल फ्रैक्शन में क्या है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या है, उसके बाद राउट्स लॉ क्या है, हेनरी लॉ क्या है, ये सब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।